बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंस्पायर किचन। आज मैं आपको टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी बनाना सिखा रही हूँ। आजकल मार्केट में टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप सस्ते भी हैं, लेकर उनका टमाटो पेस्ट बना लें ताकि वो आपके हर खाने में इस्तेमाल हो सके। ये मैंने 4 किलो टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने मोटा मोटा क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए, ऊपर से ये इसकी कैप उतारेंगे और इसको रफली सा हम काट लेंगे। इन्हीं टमाटरों में से आधे का मैं टमाटो पेस्ट बनाऊंगी और आधे टमाटरों को मैं टमाटो प्यूरी बना लूँगी। इस तरह आपने लेना, इसी तरह मैं तमाम टमाटरों को मोटा मोटा क्यूब्स में काट लेती हूँ। ब्लेंडर ले लिए, इसमें हम ये जो हमने टमाटर कट किए हैं ये शामिल करेंगे और इन सब टमाटरों का मैं एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। अगर इसमें हल्का सा पानी डालना पड़ा तो हम शामिल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने तमाम टमाटो का ग्राइंडर में पीस लिया है, थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था ताकि जो मोटर है वो हमारी जले ना। और इसमें जो मजीद चीज़ें जाएंगी, इसमें ये नमक जाएगा 1 टेबल स्पून और ये ऑयल जाएगा इसमें 4 टेबल स्पून और ये कड़ी पत्ता है, ये 2 से 3 अदद जाएंगे। अब मैं इसको छानूंगी। मेरे पास प्लास्टिक की थी, ये देखें, इस तरह के थोड़े थोड़े से इसके मोटे मोटे खाने बने हुए हैं, तो इसमें मैंने ये छान लिया। ये देखें, इसका सारा गाढ़ा सा पल्प निकल गया। अब ये हम ये सारे बीज हैं और ये टमाटर के छिलके हैं, इसको हम फेंक देंगे, ये नहीं इस्तेमाल। ये देखें, ये जो इसके बीज थे और वो जो छिलके थे वो अलहदा हो गए। अब मैंने दोबारा इसमें डालना है और फिर हम इसको चलाते जाएंगे और ये इसका जो है गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प निकलता जाएगा। थोड़ी इस तरह मोटी खानों वाली लेंगे ना, किसी भी जाली प्लास्टिक की ले लें या उससे जल्दी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, 4 किलो टमाटर की ये इस तरह का पेस्ट निकल आया। अब इसको मैं डिवाइड कर लूँगी, आधे का मैं टमाटो पेस्ट बनाऊँगी और आधे का हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे। शामिल कर देंगे, ये मैं टमाटो पेस्ट बना रही हूँ पहले। थोड़ा सा और शामिल करेंगे, मैं इसको 25 से 30 मिनट तक हल्की आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। इसको बॉईल आ रहा है, अब हम इसमें एक कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे। नमक और ऑयल जो है वो हम आखिर में शामिल करेंगे। इसको वक्तन फक्तन आप चलाते रहें, ये हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाएगा। देखें, ये पक पक के आधा हो गया और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया, थोड़ा सा रह गया वो भी हो जाएगा। ये हम नमक ऐड कर देंगे और इसमें ये ऑयल जाएगा। इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, यानी ये और 10 मिनट पकेगा, क्योंकि टमाटर ज़्यादा थे इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, ये बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब इसको मैं 10 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। आंच को थोड़ा सा मैंने तेज़ किया है,
ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए। इसको मैंने हल्का सा इस तरह कवर कर दिया था क्योंकि वो बबल्स बन रहे हैं ना, तो वो छींटे उड़ के आ रही हैं। तो हम इसको आँच हल्की करेंगे। ये पेस्ट गाढ़ा हो गया हमारा, इसमें से ये हम कड़ी पत्ता जो हमने डाला था ये निकाल देंगे। अब मैं इसको उतार लेती हूँ और इसको ठंडा करेंगे और अब हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे। या आधा पेस्ट जो हमने बचाया था उन टमाटरों में से, तो अब हम इसकी टमाटो प्यूरी तैयार करेंगे। टमाटो पेस्ट को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, अब हम इसको पकाएंगे। आज पहले मैंने तेज़ अभी की हुई है, इसके बाद जब इसमें बॉयल आएगा तो हम आँच को मीडियम कर देंगे। ये टमाटर प्यूरी का भी यानी कि पानी खुश्क हो गया, अब हम इसमें एक लीमू डाल देंगे। इसको ख़राब नहीं होने देगा, आप इसको ग्रेवी में, पास्ता में, पिज़्ज़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टमाटर प्यूरी होती है वो थोड़ी थिन होती है, पतली होती है, और जो टमाटो पेस्ट होता है वो गाढ़ा होता है। ये अब तैयार है, इसको मैं एक से दो मिनट और पकाऊंगी और इसके बाद इसको भी ठंडा करूंगी। टमाटो पेस्ट और टमाटो प्यूरी तैयार है। ये देखें, टमाटो पेस्ट जो है वो थिक होता है और टमाटो प्यूरी जो है वो थिन होती है यानी पतली होती है। आप इसको ज़रूर बना के सेव कर फ्रिज में रख सकते हैं, 20 से 25 दिन या आराम से निकाल लेते हैं। इसको आप इस तरह किसी एयर टाइट कंटेनर में, किसी जार में भर के रख सकते हैं फ्रिज में। इसको आप ज़्यादा बनाएंगे तो आधी को फ्रीज करते हैं। इस तरह ही हम टमाटो प्यूरी को भी सेव कर सकते हैं। इस तरह आप इसको डाल के सेव फ्रिज में रख दें। और एक जो चम्मच होता है टमाटो पेस्ट का वो एक टमाटर के बराबर होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह तला पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।